अब आप कहेंगे कि अतीन्द्रिय सुख की पहचान क्या है, पता तो लगना चाहिए कि ये सुख अतीन्द्रिय सुख है। मान लो आप एक बहुत अच्छा सपना देख रहे हैं, सपने में बहुत सुख मिल रहा है आपको, बहुत मजेदार सीन सामने आ रहा है, क्या उसको अतीन्द्रिय सुख कहेंगे? क्योंकि उसमें इंद्रिया तो है ही नहीं, आप लेटे हुए हैं, शरीर लेटा हुआ है, तो आपका मन सपने देख रहा बहुत बढ़िया, तो क्या उसको अति इंद्रिय सुख कहेंगे? जो कहते हैं कि हाँ इसमें इंद्रियां तो है ही नहीं, ये तो शरीर यहाँ पड़ा है और हम कहीं और हैं, बहुत सुख ले रहे हैं, ये अति इंद्रिय सुख का अच्छा उदाहरण है, सोच कर बताना। जरा हाथ उठाएंगे प्लीज, ये सपने में बहुत सुख ले रहे हैं, शरीर लेटा हुआ है, वो जो सुख है क्या उसको अतीन्द्रिय सुख कहेंगे? आप बोल ही नहीं रहे, हाँ करो या ना करो, एक तरफ तो करो, नहीं ऐसे का मतलब नहीं है या हाँ नहीं है? क्यों? क्योंकि ये ठीक है कि आपका शरीर लेटा हुआ है, लेकिन जिन चीजों को देख रहे हैं आप, जिन चीजों से सुख ले रहे हैं, वो चीजें विनाशी होंगी। सपना भी विनाशी होता है, पहली बात। कई बार सपने में इतना डर लगने लग जाता है, आंख खुले तो आप खुश हो जाते हैं, अरे अच्छा हुआ वो सपना, सपना ज्यादा देर नहीं चलता। और अतीन्द्रिय सुख जो है वो परमानेंट है, क्योंकि वो आत्मा से कनेक्टेड है। तो सपने में संकल्प बाहर जाता है और चीजें देखते हैं, लेकिन वो वस्तुएं सारी ही इस लोक की होती है। तो अतीन्द्रिय सुख अलौकिक होता है। अतीन्द्रिय सुख में इन लोक में लिया जा सके जहां, आप बताओ ऐसे हैं जहां शरीर और इंद्रियां हो ही ना, ये तो आपको पता है। कौन से लोग? एक है मुक्ति धाम, ठीक है। बाबा ने क्या कहा कि वास्तव में कल की मुरली में था कि हम उस लोक के रहने वाले हैं जहाँ शरीर है नहीं, और हमारे पिताजी भी उसी लोक में रहते और हम सब भी उसी लोक के रहने वाले हैं। ये तो यहाँ आके हमने इस पिंजरे को खरीद लिया है और हमारा इसमें मोह पड़ गया, तो बाबा ने कहा। तो वो जो लोक है जिसको मुक्ति धाम कहते हैं, और दूसरा है सूक्ष्म लोक, अलोक इसको कहते हैं ब्रह्मापुरी, जहाँ आजकल हमारे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म बता। उसमें भी आकार तो है पर उसमें ये इंद्रियां नहीं। अब आपसे दूसरे सवाल पूछते हैं कि मान लीजिए आप सूक्ष्म लोक में जाते हैं और वहां आप बहुत सारे मिठाइयां खा लेते हैं। सूक्ष्म लोक में एक मिठाइयों की दुकान है, फ्री मिठाइयां जितनी मर्जी खा, आपका पेट भारी होगा या नहीं? आपको बोझ लगेगा उसको हजम करने का या नहीं? नहीं। तो क्या हुआ कि सूक्ष्म लोक की मिठाइयां खाना अतीन्द्रिय सुख है या नहीं? फिर सोचो, नहीं है। क्योंकि